हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं इस कंकाल के 3D मॉडल को। इसके पहले इस कंकाल के बारे में एक टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, उस टॉपिक को पढ़ा हम लोगों ने, उसका 3D मॉडल देखा, और आज जो है इसका लास्ट पार्ट आपके सामने मैं लेके आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है उपांग कंकाल, हिंदी में उपांग कंकाल, और इंग्लिश में बोलूँ तो दोस्तों अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो इसके तहत दोस्तों हम लोगों को जो पढ़ना है आज, वो ये पढ़ना है कि जो पाद की अस्थियां होती हैं यानी बोन्स ऑफ द लिम्स, वो कौन कौन सी होती हैं। तो पाद का नाम जब भी आता है तो मैंने आपको बताया था कि पाद में दोनों चीज़ों को शामिल किया जाता है। एक तो आपका हो जाएगा अग्रपाद बोलते हैं, तो दो अग्रपाद होते हैं, अग्रपाद में माने होता है हाथ, और पश्चपाद माने होता है दोस्तों पैर, यानी हाथ और पैर दोनों को शामिल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस हाथ को फोर लिम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर लिम्स, FORELIMBS, फोर लिम्स, ठीक है। और पश्चपाद को यानी पैर को आप क्या बोलते हो? पैर को आप बोलते हो हैंड लिम्स, ठीक है, HINDLIMBS, ठीक है। तो चलिए ये तो रही बात की बातें, हमको जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि अग्रपाद और पश्चपाद में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप सबसे पहले मैं हाथ के बारे में बात करना चाहूँगा, यहाँ पे जो इमेज आप देख रहे हो, देखो आगे से पीछे से कंकाल का पूरा रूप आप देख सकते हो, पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से हमारा शरीर की बनावट होती है जिस पर हम एकदम खड़े होते हैं, ठीक है। तो ये तरीका आप देख रहे हो, ये बिल्कुल हमारी आपकी सबकी बनावट कुछ इसी तरह की है, ठीक है। और आज इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग हाथ और पैर दोनों के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग बाकी जितने भी हैं, चाहे पसलियां हैं, चाहे मेरुदंड है, चाहे कूल्हा है, चाहे खोपड़ी है, इन सब तथ्यों के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज इसके बारे में बात करना, हाथ के बारे में, तो मैं चाहूंगा कि आपको बिल्कुल करीब लेके जाऊं और बिल्कुल पास से आपको हाथ के बारे में बताऊं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देखिए लोकेशन देख रहे हो, ये सामने आपके दिख रहा है हाथ, और हाथ केवल एक ही हाथ देखिए, क्योंकि अगर हम दोनों हाथ की बात करेंगे दोस्तों तो ऐसे में क्या होगा कि आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है, ऐसे में आप जो है समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही हाथ को आपको दिखाऊंगा और दिखा रहा हूँ कि किस तरह से होता है। देखिए ये पीछे आपने बताया था, एक बार आप इमेज देख लीजिए, तब मैं इसके बारे में डिस्क्राइब करना शुरू कर रहा हूँ ताकि आपको बखूबी अच्छे से समझ में आ सके। चलिए, देख चुका आपने, अब मैं आपको बताता हूँ मैंने आपको पढ़ाया क्या था। मैंने आपको कहा था कि प्रत्येक अग्रपाद यानी हाथ के ऊपरी भाग में एक लंबी अस्थि होती है जिसको हम ह्यूमरस बोलते हैं। तो ये ग्रीन वाला जो आप देख रहे हो, ये आपका ह्यूमरस है। जाहिर सी बात है, दोनों हाथों में कंधे से जुड़ी वाली जो ऊपर की हड्डी होगी, क्या होगी? ह्यूमरस। कोई दिक्कत आपको? और इसी में हम क्या दिखाते हैं? अपने मसल्स को दिखाते हैं। यौ, गजब की बॉडी बना के मैंने रखी है, वो यही ह्यूमरस वाली जगह है, ठीक है। इसके ठीक नीचे जाओगे तो उस जगह पे आपको क्या पड़ेगा दोस्तों, इसके जब नीचे आओगे, यानी मैं बात करूं, देखो दिखा लेके चल रहा हूं आपको, देखो इन दो हड्डियों के बारे में बता रहा हूं आपको, ये दो हड्डियां सामने दिख रही हैं आपको, ये वाली है और ये वाली, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो एक एक का नाम है, एक का नाम है रेडियो, एक का नाम है अल्ना। क्या नाम है? इधर वाली क्या होती है? देखो बाहर साइड वाली जो होती है रेडियस होती है, तो उसको रेडियस बोलते हैं या रेडियो शॉर्टकट में बोला जाता है, और अंदर साइड वाली जो होती है हड्डी उसको अल्ना बोलते हैं। यहाँ देखिए नीचे आपको इंडिकेट भी कर रहा है अल्ना, ठीक है, रेडियस और अल्ना। तो दो हड्डियाँ होती हैं आपकी कोहनी से आगे कलाई तक के हाथ में, आपको ये दोनों हड्डियां मिलेंगी, रेडियस और अल्ना, ठीक है। इसके बाद हम पहुंचते हैं किसके पास दोस्तों? इसके पास पहुंचते हैं हम पंजे के पास। तो मैं पंजे के पास आपको लेके चलता हूं, पूरा करीब से आपको दिखाता हूं कि जो पंजा है इसमें आपको कितनी हड्डियां होती है। तो इसको मैं थोड़ा सा मूव ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा ही मूव कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि पूरा इमेज जो है आपका पूरा बड़ा है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर ये जो कलाई है, ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया? पूरा कलाई हो गया यहाँ पर, जहाँ पे आके जुड़ती हैं। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हाथ और पंजे के बीच प्रत्येक कलाई में छोटी छोटी आठ हड्डियाँ होती हैं। कितनी छोटी छोटी? कितनी होती है? आठ हड्डियाँ होती हैं। और अगर उसके आगे बढ़ेंगे तो इसके आगे प्रत्येक पंजे में पाँच लंबी अस्थियाँ होती हैं। कितनी? पाँच। तो वो पाँच लंबी अस्थियाँ दोस्तों ये है, एक, दो, तीन, चार और इधर पाँच, ठीक है, पाँच लंबी अस्थियाँ होती हैं। और इनको, अच्छा इसको छोड़ करके तब जाके आपका इसके, अच्छा ये जो पांच लंबी होती हैं तो दोस्तों इनको मेटाकार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। और पंजे के बाद चार अंगुलियों में प्रत्येक में तीन तीन अंगुलास्थियां होती हैं। तो मैं दिखाना चाहूंगा वो तीन अंगुलास्थियां, देखो आप देख लो, एक नंबर पे ये हमारा, दूसरे नंबर पे ये है, मैंने कहा था कि सब आपको जोड़ जोड़ कर दिखाऊंगा, तीसरे नंबर पे है, ठीक है, ये तीन अंगुलास्थियां। इसी तरह चारों उंगलियों में दोस्तों तीन तीन अंगुलास्थियां हैं। यहां पे देखिए एक, दो और तीन, ठीक है, दिख रहा है आपको तीन। इसी तरफ है दोस्तों इन, मतलब मैं अगर इन चारों उंगलियों की बात करूं तो देखिए एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, ठीक है। तो ये चार उंगलियां हो गई। अच्छा,
तो ये मतलब चार अंगुल अस्थियों पर क्या होते हैं कि जो तीन 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 हिस्सों में बटे होते हैं। इसके अलावा अंगूठे में दो ही होता है, एक और दो, अंगूठे में दो होता है, अंगूठे में तीन नहीं होता है। ठीक है, अंगूठा आपका देखिए आप केयर कर लीजिए, तो दो ही जगह से फोल्ड होता है। और बाकी ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये तो आपका क्या हो गया, ये मेटाकार्पल्स है, जो मैंने बताया था कि पाँच मेटाकार्पल्स होते हैं। तो एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और पाँचवा ये है। समझ में आ रहा है? तो ये वाले पोर्शन आपके मेटाकार्पल्स हो गए। इसी मेटाकार्पल से आगे अंगुलियाँ होती हैं। तो इधर आप तीन तीन हिस्से देख रहे हो, तीन तीन हिस्से देख रहे हो, ठीक है, और अंगूठे में आपका दो हिस्सा। ठीक है, तो जोड़ लो कितना हो गया, तीन चौक का 12, तो 12 आपकी अंगुलियों हो गई आगे वाले में, और दो अंगूठे में हो गया 13, 14, 14 ही हो गया। और इधर का पाँच, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, पाँच, 14 पाँच कितना हो जाएगा, 19। तो हम लोगों दोस्तों यहाँ तक जो है 19 हड्डियों को देख चुके हैं, यहाँ तक आप 19 हड्डियों को देख चुके हैं। इसके अलावा आठ छोटी छोटी हड्डियाँ होती है कलाई के पास, वो आठ हड्डियाँ देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, देखिए ऐसे छोटी छोटी, एक दो तीन, ये देखिए तीन चार पाँच छः, ये देखिए छठा नंबर ये है, और ये सात, और ठीक है, और इसके पीछे साइड जाओगे तो आपको आठ मिलेगा, ये इधर ये वाला आठ। ठीक है, तो आप काउंट भी कर सकते हो आराम से, एकदम इजीली काउंट कर सकते हो, एकदम बिल्कुल हमारे सामने दिख रहा है, नहीं दिख रहा हो तो मैं ब्लू वाली पेन से काउंट कर दे रहा हूँ। देखो एक, और ये वाली दो, ये वाली तीन, ये हो गया चार, ये हो गया पाँच, ये हो गया छः, ये हो गया सात, ठीक है, और ये वाली हो गई आठ। ठीक है, टोटल आठ, यानी टोटल आठ हड्डियों को मिला करके हमारा कलाई बनता है। ठीक है, जिसको हम कलाई बोलते हैं, तो इस कलाई में कुल आठ हड्डियां होती हैं, जिसको कार्पल्स बोला जाता है। तो ये आठ हड्डियां क्या हो जाएगा, कार्पल्स हो जाएगा दोस्तों। इन आठ हड्डियों को क्या बोलेंगे हम, इनको बोलते हैं कार्पल्स। स्पेलिंग याद रखिए, CARPALS, हिंदी में पढ़ना नहीं आपको, हिंदी में भी कार्पल्स है और इंग्लिश में भी कार्पल्स है। इसके आगे जो ये पाँच होती है, ये मेटा कार्पल्स होती हैं। ठीक है, ये पाँच क्या हो जाएंगी आपकी, मेटा कार्पल्स हो जाएंगी, ये आठ आपकी कार्पल्स हो जाएंगी। और आगे जो तीन तीन लगे हुए हैं और अंगूठे में दो लगे हुए हैं, ये आपका क्या है, ये अंगुलास्थियां हैं, फेलेंगस है। ठीक है, तो इसको याद रखिए इस तरफ से। तो दोस्तों पूरा आप काउंट करिए कितना हो जाएगा टोटल, मैंने आपसे कहा था कि एक एक जोड़ जोड़ करके आपको याद कराऊंगा। तो 19 हुआ था पीछे हमारा, हुआ था ना, फिर से मैं यहां पे काउंट कर दूं, 3 3 6 3 3 का 9, 3 चौका 12, 2 अंगूठे में 13 14, ठीक है, और 5 ये हो गया, ठीक है, 14 15 16 17 18 और 19, 19 तक पहुंचे थे, 8 यहाँ कलाई में, 19 और 8 कितना हो जाएगा, 19 और 8 कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, 27 पे हम पहुंच गए, और हमको बताया गया है कि हाथ में हड्डियाँ की संख्या कितनी होती है, कुल हड्डियों की संख्या 60 होती है, टोटल हड्डियाँ हाथों में कितनी होती है, 60, लेकिन दोनों को मिला करके। ठीक है, तो हम पहुँचे हैं 27 तक, तीन हड्डियाँ और हैं, तीन हड्डियाँ और हाथों में होती हैं, वो तीन हड्डियाँ कौन सी है दोस्तों, तो दो हो गई आपकी क्या, ये रेडियो और अल्ना, और एक आपकी हो गई क्या, आपकी हो गई एक ह्यूमरस। ठीक है, तो 27 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 और 3 कितना हो जाएगा, 30। तो एक हाथ में कुल हड्डियां कितनी होती हैं, यहां से लेकर यहां तक में कुल 30 हड्डियां हैं, और मैंने आपको एक एक हड्डी गिना भी दिया। ठीक है, कुल 30 हड्डियां हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक हाथ में 30 हड्डियां, तो दूसरी भी हाथ में कितनी हड्डियां होंगी, जाहिर सी बात है 30 हड्डियां होंगी। एक बार मैं चाहूँगा दोस्तों बैक होकर के इस इमेज को आप देख लो। ठीक है, हाथ के दूसरे साइड जाने पर ये हड्डियाँ कैसी दिखती हैं, तो कुछ इस तरीके की हड्डियाँ दिखती हैं। देखिए ये बैक से आपको इस तरह से दिखता है। ठीक है, अगर आप हाथ को पीछे करोगे तो, ठीक है, ये दिखता है हमको, और ये जो ग्रीन हुआ पोर्शन है दोस्तों, यही हमको दिखता है हाथ में। आप नहीं देखो कभी बाहर के साइड में, आपको इमेज दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको दिखाई देगा। तो ये चीज़ आप याद रखा करिए थोड़ा सा, और समझिए इस बात को, ओके। और अब तो आप समझ गए होंगे कुल 60 हड्डियाँ होती हैं, और मैंने आपको काउंट भी करा दिया। चलिए लगे हाथ अब हम लोग पैर के पास पहुँचते हैं कि पैर में कौन कौन सी हड्डियाँ होती, तो उनके बारे में भी समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ जो कूल्हा है आपका, इस कूल्हे से जुड़ा होता है जो सबसे बड़ी हड्डी है, पूरे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी माना जाता है इसको, और इसका नाम है दोस्तों फीमर। यहाँ देखिए नीचे लिखकर भी दिया हुआ, फीमर, लेफ्ट फीमर, क्योंकि बाएं साइड का है इसलिए इसका नाम क्या है, लेफ्ट फीमर। ठीक है, और ये राइट फीमर हो जाएगा, ओके, राइट फीमर हो जाएगा। तो याद रखिए सबसे बड़ी अस्थि जो होती है, जो कूल्हे से जुड़ी होती है घुटने तक, ये आपका फीमर होता है। इसके बाद जैसे ही नीचे जाओगे, जैसे नीचे आओगे, ये दो हिस्सों में जिस तरह से हाथ में था उसी तरह से यहाँ भी दो हो जाएगा। ठीक है, तो एक आपका जो सबसे आगे है ये थोड़ा मोटा होता है, और पीछे साइड एक पतली हड्डी भी होती है। तो यहाँ पे याद रखिए दोस्तों, एक का नाम है टीबिया, एक का नाम है फेबुला, लेकिन आपको याद रखना है कि मोटी और पतली वाली में कौन है। तो ये वाली हड्डी दोस्तों टीबिया होती है, और पतली वाली हड्डी क्या होती है, जो पीछे साइड होती है वो फेबुला होती है।
टीबिया और फेबुला आपको दिख रहा होगा इमेज। और देखिए अगर आप यहाँ से आज चीज़ों को नहीं समझ पाए तो इतने बेहतरीन तरीके से आपको कोई भी नहीं समझा सकता। क्यों नहीं समझा सकता, उसका वजह है क्योंकि इसीलिए मैंने 3D डायग्राम का इस्तेमाल किया है ताकि आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आ सके। और अगर आज आपने नहीं समझा तो फिर आप कभी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो ये आप समझो, ये हो गया हमारा तरीका। इसके बाद दोस्तों, अच्छा जो हमारे पैर का ये निकला हुआ, इससे आप देखते हो ये यहाँ पे पोर्शन आपको हमारे पैर में निकला हुआ दिखता है, वो यहीं से हमारा ये फेबुला हड्डी जुड़ी होती है, इस वजह से वो हमको दिखाई देता है, आप देखो। अच्छा इसके अलावा मैंने आपको बताया था दोस्तों टखने के बारे में, बताया था ना टखना। टखना क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि अगर आप टीबिया फेबुला के नीचे जाओगे तो इसके नीचे प्रत्येक टखने में 7 अस्थियाँ होती हैं जिनको आप टार्सल्स कहते हैं। कितनी होती हैं? 7। जिस तरह से कलाई में 8 होती थी, यहाँ 8-9 के कितनी होती है? 7 ही होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि उन 7 हड्डियों के बारे में भी आपको थोड़ा सा काउंट कराऊँ, और इसके लिए मुझे कंकाल को उल्टा करना पड़ेगा ताकि आपको मैं समझा सकूँ, ठीक है। चलिए कंकाल को मैंने उल्टा कर दिया हूँ और थोड़ा सा यहाँ आप अच्छे से समझिएगा। तो मैं नीचे की तरफ से आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं अंगूठे में आ जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, जिस तरह से वहाँ पर मेटाटार्सल्स जो होता है, जैसे शुरुआत में मैंने मेटाकार्पल्स बताया था, देखो हाथ वाला जो होता है वो मेटाकार्पल्स होता है, और यहाँ पे क्या है पैर में मेटाटार्सल्स है, केवल क और ट का अंतर है, किसका? क और ट का। तो मैंने बताया था कि मेटाटार्सल्स में प्रत्येक पंजे में 5 अस्थियाँ होती हैं। कितनी? तो ये जो लंबी वाली अस्थि देख रहे हो दोस्तों, ये वाली अस्थि लंबी वाली, देखो 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो लंबी अस्थि आप देख रहे हो यही आपका क्या है? मेटाटार्सल्स है। और मेटाटार्सल्स की संख्या कितनी होती है? 5। ऊपर भी हम पढ़े थे दोस्तों जो मेटाकार्पल्स होता है वहाँ भी 5 होता है, उसी तरह से पैरों में भी 5 होता है। अच्छा हाथ में जिस तरह से अंगूठे को छोड़ करके बाकी 4 अंगुलियों में 3-3 था, उसी तरह से यहाँ भी है, अंगूठे को छोड़ करके बाकी में 3-3 होगा। तो देखो 1, 2 और 3, नहीं विश्वास हो तो मैं चाहूँगा कि आपको विश्वास दिलाना। देखो 1, इसीलिए ग्रीन सैम्बल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2 और ये आगे का 3, ठीक है, ये 3। इसी तरह से दोस्तों आप याद रखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, लेकिन अंगूठे में केवल 2, ठीक है। सेम टू सेम एकदम हाथ की कॉपी है, यहाँ पे सेम टू सेम हाथ की कॉपी है, तो वही वाला पोजीशन यहाँ भी बन गया क्या? 3 चौका 12, 13 14, 14 5 19, मतलब सीधे सीधे यहाँ तक कितनी हड्डियाँ हैं टोटल? कुल मिला के 19। हमारे हाथ वाले पोर्शन में भी 19 थी, यानी पंजे में भी 19 थी, और पैर में भी कितनी है? 19 ही है। पैर में भी कितनी है? कलर चेंज कर लूँ यार अपनी पेंसिल की, थोड़ा मन कर रहा है एकदम लाइटिंग सा, ठीक है इस टाइप का। तो देखिए यहाँ भी 19 है और वहाँ भी 19 थी, तो दोनों जगह 19। अब इसके ऊपर चलते हैं, बस जो आपको अंतर है वो टार्सल्स में है। वहाँ कॉर्पल्स में जो था दोस्तों 8 था, कॉर्पल्स में कितना था? 8 था, और यहाँ सिर्फ एक हड्डी कम है, वो भी कहाँ की? टार्सल्स में एक हड्डी कम है। यहाँ पे पैर में ये 7 होती हैं, तो मैं आपको यहाँ पे काउंट कराना चाहूँगा, देखता हूँ गिना पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि इसकी जो बनावट है पैर की ये थोड़ा सा अटपटी है, ठीक है। हर एंगल से आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जो आप समझ पाओगे, ठीक है। ये देखो जो आप एडी का इस्तेमाल करते हो, ये आपकी एडी है, ठीक है, इसको क्लेसनियस टॉर्सल्स बोलते हैं। यहाँ पर एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, ये आपकी तीसरी हड्डी दिख रही है, ये चौथी दिख रही है, ये पाँचवीं दिख रही है, ठीक है, ये छठवीं दिख रही है, ये छठी होगी, और इधर जो आपका पोर्शन है इस साइड में थोड़ा सा आपको बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है, या मैं सीधा करता हूँ पहले इमेज को, क्योंकि वो तो हड्डी दिख रही है हमको, ये पोर्शन देखो, ये अंदर के पोर्शन में आप होगे तो इस साइड से देखोगे तो 7वीं, कुल 7 हड्डी होती है दोस्तों। आप याद रखें कुल कितनी हड्डी होती है? 7 हड्डी। ये जो दो पॉइंट्स दिख रहा है दोस्तों आपको, ये दो पॉइंट्स दिख रहा है, ये अंगूठा जो आपका है, ठीक है, पैर का अंगूठा वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो पैर के अंगूठे के नीचे ये हड्डियों पर दबाव न बने, इसके लिए यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको याद रखिए। तो सिंपल सा है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा फंडा मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा याद करने के लिए, जिससे आप परेशान हो जाओ। सिंपली पैर का आकार सामने से कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, और अंदर बाहर से आप देख ही चुके हो, एडी देख ही रहे हो कितना भारी भरकम इस शरीर पे एडी टाइप में बना हुआ है, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। तो ये पोर्शन होता है। अच्छा तो हमने जो है हाथ और पैर में लगभग बराबर बराबर है, अंतर यही है कि यहाँ टार्सल्स और कॉर्पल्स में केवल एक अंतर है, जो कॉर्पल्स था वहाँ पे 8 था और टार्सल्स में कितना है? 7 है। तो यहाँ का बाकी एक पूरा कैसे होगा, क्योंकि हमने तो सुना है यहाँ भी 30 हड्डी होती है, यहाँ भी 30 होती है, ऊपर हाथ में भी 30 होती है, बाएँ हाथ में दाहिने हाथ में सब 30 होता है, तभी तो 30, 30, 60, 30, 90, 3 चौका 12 यानी 120 हड्डियाँ होती हैं, तब तो बनता है। तो वो जो एक हड्डी दोस्तों वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये घुटने पे जो टोपी नुमा आकार होता है ये भी एक हड्डी होती है, और इसको बोलते हैं पैटेला। क्या बोलते हैं? पैटेला। मैं चाहूँगा कि एक बार आप ऐसे देखो, नज़दीक से बिल्कुल देखो, ये पैटेला है, ठीक है, ये चारों तरफ से कुछ इस तरह आकार में होता है, ये देखो आप, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये कुछ इस आकार में होता है, आगे का पोर्शन में जुड़ा होता है इस दोनों हड्डियों के बीच में,
और ये जो आप व्हाइट व्हाइट पोर्शन देख रहे हो दोस्तों, दो हड्डियों के बीच में इस तरह से एक गैपिंग होता है और इसी में एक लिक्विड भरा होता है, जिसके बारे में आपको बता रहा था कि वो लिक्विड होता है तभी जो यहाँ पे मूवमेंट हो पाता है, यानी ये शरीर में ग्रीस की तरह से काम करता है, जिस तरह से ग्रीस होता है। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हाथ और पैर कुल मिला करके दोनों पैरों में 60 हड्डियाँ, दोनों हाथों में 60 हड्डियाँ, और इसी तरह से दोस्तों हाथ और पैर को अगर हम मिला दें यानी हम पाद की बात करें तो कुल मिला के कितनी हड्डियाँ होती दोस्तों, तो 120 अस्थियाँ होती हैं हमारे हाथ और पैर को मिला करके, कुल कितना, कुल 120 होती हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेखलाओं की हड्डियों के बारे में आपको बताऊँगा, यानी ग्रिडल्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो ग्रिडल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो पाद की अस्थियां हैं उनको अक्ष कंकाल से जोड़ने का काम कौन करता है, ये ग्रिडल्स करती हैं। और अगर हम बाहों की बात करें तो चलिए मैं बाहों की बात कर रहा हूं, तो पहले आपको बाहों के पास लेके चलता हूं। मैंने आपको बताया था बाहों को कंधे पर जोड़ने वाले भाग को अंश मेखला कहते हैं। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो दोस्तों, ये ठीक है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये अंश मेखला है। यही पोर्शन क्या है, ये पोर्शन पूरा क्या है, अंश मेखला कहलाता है। इसको पेक्टोरल ग्रिडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PACT, पी ए नहीं होता एक्चुअली में PE होता है, PECTORAL, पेक्टोरल और ग्रिडल, ठीक है, पेक्टोरल ग्रिडल बोलते हैं, अंश मेखला बोलते हैं। इसी तरह पैर जो जाके हमारा जॉइंट होता है जहाँ पर, उसको श्रोणि मेखला बोलते हैं, यानी जो हमारी टांग है वो जिस कुल्हे पर जुड़ी हुई है, मैं दिखाना चाहूँगा उसको भी, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, पहले इसको मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको और क्लियर आ जाए, सामने से देख लेते हैं। ये देख रहे हो आप, ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये आपका क्या हो जाएगा, श्रोणि मेखला, इसको बोलते हैं दोस्तों पेल्विस, क्या बोलते हैं, पेल्विस ग्रिडल, ठीक है, और इसको श्रोणि मेखला हिंदी में बोलते हैं। तो अंश मेखला और श्रोणि मेखला, इन दोनों के बारे में चलिए आइए डिटेल में बातें करते हैं और आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। देखो जो अंश मेखला होता है ना, उसमें एक लंबी अस्थि होती है जिसको हंसुली बोलते हो, क्या बोलते हो, हंसुली। और वो हंसुली कौन सी है, तो हंसुली याद रखो, अक्सर करके हम लोग छोटे छोटे रहते हैं तो यहाँ पे प्रेस करते हैं, यहाँ पे प्रेस करते हैं, अपना अंगूठा दबाते हैं या किसी का धसाते हैं तो बड़ा दर्द सा महसूस होता है। तो मैं चाहूँगा पूरे के पूरे कंकाल को एक बार इस तरह से करना। तो ये जो लंबी अस्थि है दोस्तों, जो आपके आगे से आके यहाँ पे जुड़ी हुई, यही आपका हंसुली है। ये क्या है, हंसुली, चाहूँगा इसका नाम बताना। तो देखिए यहाँ पे क्लेवाइकल लिखा है, क्लेवाइकल, हालांकि इसको हिंदी में हंसुली बोलते हैं, इंग्लिश में क्लेवाइकल बोलते हैं, ठीक है, CLAVICLE, ठीक है, क्लेवाइकल, ये आपकी हंसुली हो गई। तो दोनों हाथों में दोस्तों इस तरह की हंसुलियाँ होती हैं, इधर भी आप देख सकते हो, ठीक है, दोनों तरफ हंसुली होती है और ये दिखता भी है। जब कोई कमज़ोर हो जाता है व्यक्ति तो आगे आपको अपने गले के पास ये हड्डी सामने से दिखाई देती है, ठीक है, तो याद रखिए। इसके बाद मैंने बताया था कि ये सामने से तो ये हंसुली होती है, लेकिन पीछे पीठ की तरफ एक तिकोनी चपटी हड्डी होती है जो त्रिकोण आकार में होता है, मैंने बताया था आपको, उसको बोलते हैं स्कंधास्थि, ठीक है, स्कंधास्थि यानी स्कैपुला, ठीक है, स्कैपुला। तो मैं चाहूँगा आप स्कैपुला को भी देखिए, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो चपटी हड्डी आपको दिख रही है ये आपका क्या है, स्कैपुला है, ये स्कैपुला है, ठीक है, इसका नाम भी देखें, यहाँ नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर स्कैपुला। तो राइट और लेफ्ट दोनों साइड ही आपको स्कैपुला देखने को मिल जाएगा और ये इसी से जाके आपका जो हंसुली है ये जुड़ा होता है और इसी से आके आपका कंधा भी जुड़ा होता है, ठीक है। तो याद रखिए, अर्थात दोनों बाहों में कुल मिलाकर कितनी अस्थियां हो गई, चार अस्थियां हो गई, कौन, एक तो आपका ये हो गया, ठीक है, स्कैपुला, दूसरा आपका हंसुली हो गया, तो दो हड्डियां एक साइड और दो हड्डी एक साइड, यानी दोनों बाहों में चार हड्डियां ये होती हैं, ठीक है, समझ में आ रहा ना। इसी तरह बस इतना ही, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, और भी अगर कोई हड्डी आपको दिख रहा हो तो बताओ, ठीक है। ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये इसका मुड़ाव जो देख रहे हो दोस्तों, ये मुड़ाव अगर आपको ध्यान में आए, देखो ये मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, अच्छा इसको ग्रीन कर दे रहा हूँ, खुद ही दिखाई दे देगा। ये देखिए, ये जो मुड़ाव आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कंधे को रोकने के लिए है, मतलब आपका जो कंधा है उसको बांधे रखे, और ऐसा नहीं, इसके ऊपर तमाम उपास्थियाँ लगी होती हैं, तंतु लगे होते हैं ताकि मजबूती से यह जकड़ा रहे शरीर में, भाग ना जाए शरीर से बाहर निकल के, ठीक है, तो वो बात की बात है। इसके बाद देखिए, मैं आपको लेकर चलूँगा और करीब लेकर चलूँगा, ये देखिए आपका कूल्हा है, और इस कूल्हे की अगर बात करें तो मैंने बताया इसका नाम श्रोणि मेखला है, और दाहिने और बाएं कूल्हे दोनों की तरफ एक एक अस्थि को मिला करके बनता है, जिसे हम नितंब अस्थि बोलते हैं, हिप बोन्स बोलते हैं। तो आप ही बताइए कि इसमें से हिप बोन्स कौन सा हो सकता है, ठीक है, ये तो पेल्विस है, अलग अलग नाम है, देखिए यहाँ पे हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और हड्डियों के नाम अलग अलग हैं, और इससे आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक हिप बोन्स होता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अच्छा हिप बोन्स की संख्या कितनी होती है, एक दाहिने तरफ होता है, एक बाएं तरफ होगा, तो पीछे तरफ आ जाइए आप, ठीक है, ये नीचे से की तरफ जो कूल्हा होता है इसमें हिप बोन्स जुड़ा होता है, एक सेकंड रुकिए, तो यहाँ पे नाम देखिए अलग अलग आ रहे हैं,
हिप बोन्स को याद रखिए, उसका नाम वैसे हिप बोन्स होता है, दूसरा नाम मुझे पता नहीं है, इंग्लिश में हो सकता है इसको यहाँ पे कुछ और भी बोला गया हो। तो हिप बोन्स फिलहाल याद रखिए, जो हिप बोन्स होता है उसी से आके अटैच होता है हिप बोन्स, और दोनों तरफ मात्र दो ही होता है हिप बोन्स जो होता है वो दो ही। मुझे लगता है ये नीचे वाली जो हड्डियाँ जहाँ से आके एकदम बिल्कुल अटैच में फॉर्म में है, यही आपका हिप बोन्स होना चाहिए। तो हिप बोन्स देखिए दोनों दो तरफ होता है दोस्तों, एक जो है दाएँ तरफ होता है, एक बाएँ तरफ होता है हिप बोन्स। तो इस तरह से कुल छः हड्डियाँ हो जाती हैं। मेखलाओं में कुल कितनी हड्डियाँ हो जाती हैं? छः। अरे चार ऊपर हमने बाहों में देखा, एक दो हंसुली देखा दोनों तरफ, और दो स्कंधास्थि देखा यानी स्कैपुला देखा, और दो हिप बोन्स हो गए। तो दो दो चार दो छः, तो ये छः हो जाते हैं। तो 120 हमने पीछे पढ़ा था, 120 हड्डियाँ और प्लस छः हड्डियाँ, ये यानी कुल मिला के 126 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, कुल हमारे हाथ पैर में मिला करके टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो कुल 126 हड्डियाँ होती हैं, 120 मत कर दीजिएगा। ठीक है, टोटल अगर ओवरऑल पूछेगा तो 126। अच्छा, इसके बाद मैंने बताया था दोस्तों आपको अंतःकंकाल की संधियों के बारे में, मतलब जॉइंट ऑफ द इंटरनल स्केलेटन कहाँ कहाँ पे जॉइंट होता है। और उसके लिए मैंने बताया था कि बहुत सारे जॉइंट होते हैं, जहाँ जहाँ भी दो हड्डियाँ आपस में आके मिलती है वहाँ किसी न किसी तरह का जॉइंट होता है। और इसको पढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया था कि जॉइंट जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, एक पूर्ण संधि होता है, एक अपूर्ण संधि होता है, एक अचल संधि होता है। ठीक है, और उसके आधार पर मैंने आपको पूर्ण संधि में आपको उदाहरण भी दिया था, कंदुक खल्लिका संधि यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये कहाँ कहाँ पे होता है? तो जो कंधे का जोड़ होता है, ये जो कंधे का जोड़ होता है दोस्तों, ये और आपका कूल्हे का जोड़, जो पैर वाला जोड़ है, ये दोनों के दोनों जोड़ क्या कहलाते हैं? तो ये आपका कंदुक खल्लिका संधि का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। किसका? कंदुक खल्लिका संधि का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। इसकी खासियत क्या होती है? आप हाथों को चारों तरफ घुमा सकते हो। ठीक है, ये एक बेस पॉइंट होता है, एक गड्ढा नुमा, और इसमें एक उभरा हुआ हिस्सा आके इस तरह से ज्वाइंट हो जाता है कि आप चारों तरफ इसका मूवमेंट आराम से कर सकते हो। इसके बाद हमने कब्जा संधि बताया था, तो जो आपका घुटना हो गया, ठीक है, आपका पैर का घुटना हो गया, या आपका कोहनी हो गया हाथ का, या उंगलियां हो गया, तो ये यहाँ पे जो अगर हम पोर्शन की बात करें दोस्तों, इस वाले पोर्शन की बात करें, तो यहाँ पे आपका कब्जा हिंज संधि होता है। ठीक है, यानी हिंज जॉइंट होता है यहाँ पे। कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था खूंटी संधि यानी पियोर जॉइंट क्या होता है। तो जो दोस्तों आपकी खोपड़ी होती है पियोर जॉइंट पर जुड़ी होती है, तो मैं दिखाना चाहूँगा पियोर जॉइंट के बारे में। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर खोपड़ी जो होती है दोस्तों, इस कंकाल की वजह से दिख नहीं रहा, नहीं तो अंदर मैं आपको दिखा सकता था। ठीक है, ये खोपड़ी जुड़ी होती है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पीछे दिख रहा होगा, ये यहाँ पे खूंटी नुमा आकार अंदर बना है और उस पर जाके ज्वाइंट है। तो याद रखिए दोस्तों, ये क्या है आपका? ये पिवोट ज्वाइंट है। क्या है आपका? पिवोट ज्वाइंट। यार हरा में बड़ा गुस्सा लग रहा है। चलिए, आप भी कहेंगे क्या मजाक करते रहते हैं सर, भी होता है, होना चाहिए थोड़ा बहुत। इसके बाद सैडल संधि मैंने बताया था आपको, सैडल संधि, और बताया था कि ये कंदुक खल्लिका संधि से मिलता जुलता है, और इसको भी याद रखिए सैडल संधि। जैसे हाथ का जो अंगूठा होता है वो सैडल संधि का उदाहरण होता है, चारों तरफ मूव तो करता है, बॉल और सॉकेट जो दोनों हैं ये ठीक ढंग से विकसित नहीं हुए होते हैं। ठीक है, तो इस अंगूठे में दोस्तों आप सैडल संधि देख सकते हो। ठीक है, इस अंगूठे में सैडल संधि का एक अच्छा उदाहरण है। बाकी बिसर्पी ग्लाइडिंग संधि एक बताया था मैंने, तो आपकी कलाई है और रेडियो अल्ना के बीच में, ये यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे दोस्तों जो आपकी संधि होती है चारों तरफ भी मूव करती है, कब्जे की तरह भी चलती रहती है, तो ये बिसर्पी ग्लाइडिंग संधि है। अपूर्ण संधि मैंने कहा था, आप खुद पता करके मैं बताइएगा, तो बहुत सारे बच्चों ने बताया भी था और काफ़ी लोगों का जवाब भी नहीं आया, तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि एक बार आप लोग बताइए। अचल संधि में खोपड़ी की अस्थियाँ हैं, तो हाँ ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो सर की खोपड़ी है, ये एक अलग हड्डी है, ये एक अलग हड्डी है, तो यहाँ पे ज्वाइंट आपको दिख रहा होगा, ये अचल संधि इमेवेबल ज्वाइंट्स हैं, ये कभी मूव नहीं होते हैं। ठीक है, ये कभी मूव नहीं होते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ओके ओके फ्रेंड, तो आइए ये देखिए, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये कंकाल कुछ इस तरह से होता है, और बाकी मैंने आपको डिटेल में इन सारी चीज़ों के बारे में बता ही दिया हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हो पूरा इमेज यहाँ पे। ओके, बच के रहना नहीं तो बाहर आ जाएगा यहाँ से निकल के। ठीक है, अरे यार ये थोड़ा दूर ही रहो भाई, कहाँ आ रहे हो? अरे थोड़ा दूर चलो मेरे भाई। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये आप देखिए किस तरह से आपके पैरों की हड्डियाँ काम करती है आपके चलने के दौरान। ठीक है, तो थोड़ा सा बच के रहिए आप लोग, हो सकता है आपके मोबाइल से बाहर निकल जाए दौड़ते दौड़ते, है कि नहीं, तो कुछ भी कर सकता है। तो ये आपकी हड्डियाँ कुछ इस तरह से मूवमेंट करती है दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, वापस जाओ भैया, अपने घर जाओ, चलो यहाँ से भाग जाओ। तो ये आप देखिए पीछे की हड्डियाँ किस तरीके से काम करती हैं, सारे पोर्शंस आपको देखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ईजी मोड में देखिए किस तरह से काम करते हैं, ये देख रहे हैं आपके घुटने किस तरह से काम करते हैं, तो इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल आपको आना चाहिए, समझ रहे हो? आपको ये देखो सारी के सारे पूरा का पूरा कंकाल तंत्र आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और समझ में भी आ रहा होगा कि हमारी हड्डियाँ जो है ये चारों तरफ किस तरफ से काम करती हैं। ये देखिए आप एकदम बिल्कुल
अच्छे से और अच्छे से समझते चलिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक हम चीज़ों को अच्छे से नहीं देखेंगे ना, तब तक हमें जो है समझ में आने वाला नहीं है। ओके, तो ये कुछ इस तरह का दोस्तों सैम्पल बनता है, और आप समझ रहे होंगे ऊपर से आगे से पीछे से सब। आप देखिए ये हड्डियाँ जॉइंट हैं, और इनके बीच में दोस्तों एक स्पेशल लिक्विड होता है, उस लिक्विड की वजह से ये हड्डियाँ जाम नहीं होती हैं। तो क्या आप जानते हो लिक्विड्स को क्या बोलते हैं, वो लिक्विड क्या होता है? तो आपको पता होगा दोस्तों, जहाँ पे ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो सारा आप उदाहरण देख रहे हो या पूर्ण संधि जितने भी परफेक्ट जॉइंट हैं उनका उदाहरण है, और इसमें एक साइनोवियल कैविटी होता है, मैंने आपको बताया था, साइनोवियल मेम्ब्रेन्स होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ मैंने बताया था, तो उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे होता है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर एक चिपचिपा पदार्थ भी होता है, एक चिपचिपी थैली भी होती है, जिसको मैंने बताया था साइनोवियल कैप्सूल, ठीक है। तो उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर एक ग्रीस नुमा काम करता है, ठीक है, पैरों में एक ग्रीस की तरह काम करता है, जिसके वजह से एक फिसलन बनी रहती है, और एक कंकाल तंत्र जो हमारा है ये हमारे अनुसार, हमारे माइंड जैसा हमारा कहता है वैसा ही मूव करता रहता है। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और एक चीज़ याद रखें दोस्तों, स्टडी 90 मंथ को मत भूलिएगा, बहुत ही बेहतरीन चैनल है, और यहाँ पे आप जो है बिल्कुल हर एक चीज़ों को देख सकते हो। पूरा का पूरा बायोलॉजी इसीलिए पढ़ाया जाता है आपको, कि ताकि आप आराम से चीज़ों को देख सकें और समझ सकें, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, अदरवाइज इसको मैं बाहर बुला लूँगा ना, तो आपके घर में चला आएगा निकल के। चलिए, थैंक यू सो मच।